हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मोटो जी 54 5G वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 35G के बीच में फ्री फायर मैक्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे, बैटरी रेंज टेस्ट करेंगे, बताएंगे कौन सा फ़ोन बेस्ट आपको देखने को मिलता है। दोनों ही ऑलमोस्ट अभी सेम प्राइस पे देखने को मिल जाते हैं, तो कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए गेमिंग के लिए, फ्री फायर के लिए स्पेशली कौन सा बेस्ट है। सो गाइस, देखते रहिए वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलरेडी गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इन्फिनिक्स नोट 35G में प्ले करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको सेटिंग में ले चलूँ तो देख सकते हैं सारी सेटिंग्स को हमने फुल्ली मैक्स कर दिया है। ओके, एंड गाइस यहाँ से टाइम भी आपको दिखा दें तो 11:35 हो रहा है। एंड बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं अभी 45 पे 45 पे, तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले कितना ड्रेन करता है। अब दोस्त, यहाँ पे इस फोन के स्पेक्स की बात कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छे स्पेक्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, लाइक डेमेंसिटी का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही इस डेमेंसिटी 6080 का परफॉर्मेंस ऐसा है वो आगे बताता हूँ। बाकी यहाँ पे अदर स्पेक्स की बात की जाए तो आपको फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एंड इन्फिनिक्स का फोन है तो आप बड़ा ही डिस्प्ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वैसा ही कुछ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस यहाँ पे डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, JBL ट्यूनेबल्स नाम का है डुअल स्पीकर। भाई इसको मतलब डुअल स्पीकर नहीं कहा जा सकता, सिंगल स्पीकर इससे बेटर लाउड मैंने देखे हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स को स्पीकर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वैसे इन्फिनिक्स 030 का स्पीकर अच्छा है, बट इसका मुझे काफ़ी वीक लगा, मतलब डुअल स्पीकर के हिसाब से। बाकी की इस यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर 45 वाट का देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड की इस यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा देता है। सो इस यहाँ पे जो डेमेंसिटी का 6080 प्रोसेसर है, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है एंड इस फोन में अच्छा से वर्क भी करता है। बट आपको पता है कि इन्फिनिक्स का सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ फील नहीं होता है, तो इस वजह से आपको थोड़ा कुछ उस टाइप में देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस जो यूज़ कर रहे होंगे इन्फिनिक्स के डिवाइसेस उनको ज़रूर पसंद आएगा, बट फर्स्ट टाइम यूज़र जो होंगे उनको पसंद आएगा, बट जो अदर ब्रांड के डिवाइसेस यूज़ कर चुके होंगे उनको ये सॉफ्टवेयर थोड़ा मतलब स्लो फील होगा, ऐसा कुछ मैं कह सकता हूँ। बाकी किसी यहाँ पे फ्री फायर मैक्स में कैसा परफॉर्मेंस देता है, तो भाई यहाँ पे मतलब 60 FPS में हम टेस्ट कर रहे हैं और ये 60 FPS नहीं प्रोवाइड कर पाता है, पता नहीं भाई ऑप्टिमाइजेशन की कमी है इस वजह से। बाकी की इस यहाँ पे गेम प्ले ओवरऑल अच्छा हो जाता है, मतलब लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बट फ्रेम ड्रॉप नहीं करता है। लाइक जैसे कि 60 FPS पे प्ले कर रहे हैं तो ये 50 के अप्रॉक्स प्रोवाइड करता है, 50 to 45 के बीच में, तो कि इस मतलब उसी पे ये पूरे टाइम प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि भाई कभी 40 प्रोवाइड किया कभी 20 पे चला गया, ऐसा मतलब नहीं होता है, जिसके वजह से कि गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। मतलब 50 भी प्रोवाइड करता है तो कोई फ्रेम ड्रॉप का इशू नोटिस नहीं होता है, तो इस वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेटर देखने को मिल जाता है, तो ये सही चीज़ देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल इस फ़ोन की मुझे अच्छी लगी। बाकी जिनको सॉफ्टवेयर पसंद है उनको मैं क्लियरली रिकमेंड कर सकता हूँ भी, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको मतलब कम ही प्राइस में 256 GB स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। एंड इसका कैमरा भी ओवरऑल मुझे सही लगा था, इसका कैमरा डिटेल में हमने कंपेयर टेस्ट भी किया बेसिकली, तो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस इस फ़ोन का मुझे ओवरऑल ठीक लगा, कोई मेजर दिक्कत नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस अच्छा स्पेक्स देखने को मिल जाता है। फाइनली दोस्त, यहाँ पे गेम प्ले हमारा हो चुका है कंप्लीट, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है फ्री फायर मैक्स में। बाकी सॉफ्टवेयर पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। एंड की इस 12 मिनट में ये 5% डिक्रीज़ किया है, तो बैटरी बैकअप ठीक ठाक प्रोवाइड कर देता है। वैसे इसका फुल बैटरी रन टेस्ट भी हमने किया है तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो ओवरऑल ठीक परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। अब दोस्त, यहाँ पे हम प्ले करते हैं मोटो जी 54 5G में। एंड इस यहाँ पे सेटिंग में ले चलूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे भी सारे सेटिंग्स को हमने फुल्ली मैक्स कर दिया। टाइम देख सकते हैं भाई, यहाँ पे हो रहा है
11:38 एंड बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं 83 पे है, तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले ये कितना ड्रेन करता है। अब दोस्त इस फोन की स्पेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले है, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है एंड क्लियरली मैं कहूंगा कि इन्फिनिक्स के सॉफ्टवेयर से ये थोड़ा बेटर फील होता है। इसमें मतलब आपको स्मूथनेस अच्छी देखने को मिल जाती है, बट भाई इन्फिनिक्स में काफी अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं। वैसे मोटो वाले भी आप अच्छे अच्छे फीचर ऐड कर रहे हैं, बस वॉइस चेंजर रह गया है गेम मोड में ऐड करना, नहीं तो अदर मतलब फीचर काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं एंड इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है गेम मोड के ऊपर, तो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्त अदर एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको मतलब फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, 33W का इन्फिनिक्स से स्लो है लेकिन गाइस यहाँ पे 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाता है एंड क्लियरली कह सकता हूँ भाई अंडर 20,000-15,000 के मतलब इससे बेटर डुअल स्पीकर वाला डिवाइस शायद ही कोई होगा, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है एंड मोटो G34 में भी सेम ही स्पीकर देखने को मिलता है, तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा एंड गाइस ये तो भाई बहुत ही मस्त है, बहुत ही लाउड है एंड डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, इस वजह से एक्सपीरियंस ओवरऑल इसमें अच्छा देखने को मिल जाता है। तो मुझे इसका स्पीकर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड इस प्राइस रेंज में भाई कोई भी बीट नहीं कर सकता इस फ़ोन को, तो मस्त है स्पीकर इसका। बाकी दोस्त यहाँ पे अदर स्पेक्स की बात किया जाए तो 120Hz का तो वैसे रिफ्रेश रेट देखने को मिल ही जाता है, बाकी यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर तो बेटर है इन्फिनिक्स से, ऑलरेडी आपको बता ही दिया एंड परफॉर्मेंस की बात कर लिया जाए तो इसमें मिलता है डिमेंसिटी का 7020 बेसिकली, तो इस ये परफॉर्मेंस कैसा प्रोवाइड कर देता है, तो भाई क्लियरली कहूँगा अंडर 20,000 इसको बीट भी कोई नहीं कर पाएगा। मैंने बहुत सारे फ़ोन टेस्ट किए अंडर 20,000 लाइक इन्फिनिक्स GT10 पर हो गया, पोको F5 हो गया एंड इन्फिनिक्स नोट 30 ये तो टेस्ट कर ही रहे हैं, बाकी हॉट 30 बहुत सारे पोको के भी फ़ोन हैं, तो इस यहाँ पे क्लियरली मैं कहूँगा कि इस फ़ोन से बेटर भाई फ्री फायर में एक्सपीरियंस कोई भी प्रोवाइड नहीं किया, पोको F5 भी भाई तो बहुत ही अच्छे से फ्री फायर में भाई ये ऑप्टिमाइज है, अब पता नहीं कैसे ऑप्टिमाइज किया लेकिन बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, 60fps में बहुत ही मक्खन गेमिंग कराता है। सो गाइस फ्री फायर के लिए मैं क्लियरली इस फोन को रिकमेंड कर सकता हूँ, बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है, बाकी बैटरी बैकअप भी ठीक प्रोवाइड करता है एंड इसका फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट भी हमने कर दिया है, तो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्त थोड़ा सा गेम प्ले देखिए एंड जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एंड में बताते हैं कि कितना ये बैटरी ड्रेन किया। सो गाइस यहाँ पे गेम प्ले हमारा हो चुका है कंप्लीट, परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का दे देता है, स्पीकर की क्वालिटी भी मस्त देखने को मिल जाती है, बाकी गाइस टाइम देख सकते हैं एंड बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, 15 मिनट में ये 4% डिक्रीज किया है, तो मस्त बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है क्योंकि 6000mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। अब दोस्त यहाँ पे क्लियरली कहूँगा कि मोटो G54 बेटर है इन्फिनिक्स के कंपैरिजन में, सॉफ्टवेयर हो गया या कैमरा भी ओवरऑल मोटो का मुझे अच्छा लगा था एंड साथ ही यूट्यूब में 4K भी सपोर्ट कर लेता है एंड फ्री फायर में तो भाई मक्खन गेमिंग कराता है मोटो G54, तो जरूर से इसको बाई कर सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर भी स्मूथ देखने को मिल जाता है। सो दोस्त फिलहाल इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।